पुलवामा शहीद अमर है, 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 अमर है, पुलवामा शहीद 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 अमर है। आज की श्रद्धांजलि पुलवामा के अंदर जो कांड हुआ था उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। हृदय से श्रद्धांजलि है उन वीरों को जिन वीरों ने देशों के हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और कुछ लोग कहते थे ये RDX खुद लगाई गई, कुछ लोग कहते थे बालाकोट नहीं हुआ, कुछ कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अजय, देश और आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीति देश और वीरों को लेकर के हो ये कभी बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं होगा। और आज वो लोग जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो शहादत हुई थी पुलवामा के अंदर, इस बात को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं, आज देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। और तिरंगे का अपमान करने वाले वो इस देश के अंदर जिंदा नहीं रहेंगे। और जो भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करेगा, जो भारतवर्ष को टेढ़ी नज़र से देखने का प्रयास करेगा, अब भारतवर्ष इतना सक्षम हो गया है कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर वैक्सीन देने का प्रयास करना चाहता है तो भारत इतना सक्षम है कि वो उन लोगों से भी मुकाबला करके उनको नस्तनाबूद करने का प्रयास करेगा जो इस तरह की साजिश रचने का प्रयास करने चाहते हैं। मैं सीधा पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले व्यक्ति कभी माफ़ी के नाम नहीं है। और वो जो आज देश के जब युद्ध चल रहा है चाइना के साथ और देश के प्रधानमंत्री को कायर कहने वालों, तुम लोग कभी मेरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास नहीं करना चाहते, तुम राजनीति करना चाहते हो। और देश के मुद्दे पर श्रद्धांजलि होती है, शहादत देने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि राजनीति की जाती है। आज श्रद्धांजलि देने का समय है, इसलिए ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा। ये मोमबत्तियाँ जला करके ये व्यवस्था करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास करना चाहता हूँ। अगर हमारे आसपास भी कोई शहीद हैं उनके घर के अंदर जाकर के मोमबत्ती जलाने का प्रयास करें। अगर हमारे पास कोई शहीद हैं उनके घर के अंदर जाकर के उजाला करने का प्रयास करें, ताकि वो ये समझें कि उनके परिवार के लोग वो शहादत के अंदर चले गए लेकिन आम नागरिक आम जनता हमारे साथ तन मन धन से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इसलिए आपका सरासर धन्यवाद, शुक्रिया।